अब रुख करेंगे हिमाचल राउंडअप की ओर। अमरपुर में आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ एक अधिकारी का नाचते हुए वीडियो सामने आया है। बता दिया आपको कि नादौन ब्लॉक में आंगनबाड़ी वर्कर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आंगनबाड़ी वर्कर के साथ एक अधिकारी नाच रहा है। कुल्लू में जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें की कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने मुख्य रूप से शिरकत की। बता दें आपको कि उस मौके पर डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और सहकारी सभा का गठन करके कोई भी व्यवसाय आसानी से शुरू किया जा सकता है। सुंदरनगर पुलिस ने नशे के काले कारोबार को खत्म करने के लिए इन दिनों सख्त रवैया अपना रही है। बता दें आपको कि पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 759 ग्राम चरस बरामद हुई है। उधर हिमाचल के पहाड़ों पर दिल्ली के बाइकर्स का दल पहुंचा। बता दें आपको कि ये दल हिमाचल के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गया है, जिसमें कि ये दल हिमाचल के कई जिलों में लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करेगा। हर साल की तरह इस बार भी 16 जुलाई से 40वां श्रावण मास महोत्सव मनाया जाएगा। बता दें आपको कि महोत्सव 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी खासा ध्यान रखा गया है। नान में नगर पालिका से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जून का पेंशन नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि कर्मचारियों ने रानीताल में एक बैठक की और बैठक में सरकार से पेंशन देने की मांग भी की है। हिमाचल के कलाकारों ने वास्ते कवर हिंदी गाना लॉन्च कर दिया है और ये गाना दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहा है। पिट्स ऑफ फायर के निर्देशक अमित भाटिया ने कहा है कि इस गाने में कलाकारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे कि ये बेहतर बन पाया है। श्री नैना देवी में तेज बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि स्वारघाट में बारिश के बाद घना कोहरा छाया हुआ, जिसकी वजह से सड़कों पर भी लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। नूरपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव भवानी पठानिया का कहना है कि दरअसल नूरपुर में 20,000 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी और 6 जुलाई से शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान में नूरपुर बीजेपी को 10,000 लोगों को सदस्यता देने का लक्ष्य मिला था, लेकिन अब तक नूरपुर बीजेपी ने 6,000 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी है। केंद्र सरकार ने गरीब परिवार के लिए बहुत सी सुविधा चलाई है, लेकिन पांवटा साहिब के चिलौई गांव का एक परिवार ऐसा है जो कि केंद्र से मिलने वाली सुविधा से वंचित है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन इस बरसात के बाद प्रशासन के लॉकडाउन की पोल भी खुलती जा रही है। मॉनसून की पहली बारिश ने ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।